Hello, my dear friends. Myself, Alimuddin Sheikh Kadri, and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Kadri. My learned friends, today we will have to discuss a new lesson. The name of the new lesson is Chemical Coordination and Integration. मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक नए अध्याय का, एक नए लेसन का, जिसका नाम मैंने बताया कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन मीन्स रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, हमारी बॉडी किस तरह से कंट्रोल होती है, हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में कौन कौन से केमिकल पूर्णतया हेल्पफुल होते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। तुम मैं अलीमुद्दीन से कौधरी इसी टॉपिक पर आज आप लोग ले चलना है कि आज केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, रासायनिक समन्वय क्या है, आयन इंटीग्रेशन क्या है और उसका एकीकरण क्या है। देखते हैं दोज कैटेगरीज ऑफ केमिकल्स दोज वेर क्रिएट और एक्टिवेटेड इन अवर बॉडी इज सिंपली बी कॉल्ड हार्मोन्स। माय लविंग फ्रेंड्स, व्हाट इज हार्मोन्स? अ सिंपल क्वेश्चन और asking to you, what is hormones? हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या होते हैं, व्हाट इज हार्मोन्स, हार्मोन क्या है? तो देखते हैं, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, विच एक्ट एज एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर। हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, ये हमारे पोषक तत्व तो नहीं है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। हार्मोन क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, लेकिन इनका वह एक्शन, इनकी क्रिया जो होती है वो इंटरसेलुलर मैसेंजर की होती है, एक सेल से दूसरी सेल में मैसेज को ट्रांसफर करके एक सेल से दूसरी सेल में गए, ये मैसेंजर की लाइफ बिहेव करते हैं एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स। तो इस तरह से आप देखते हैं हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट मटेरियल, आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोडक्शन इन प्राइस अमाउंट एंड आर प्रोडक्शन इन प्राइस अमाउंट। माय लविंग फ्रेंड्स, अगर हम हार्मोन की बात करते हैं, आप सभी को इस विषय में बहुत ध्यान देना होगा कि हार्मोन क्या है। हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंटिक केमिकल है, एक नॉन न्यूट्रिएंटिक केमिकल है, बट दे हैव क्रिएट देयर ओन बॉडी एक्टिविटी जो हमारे शारीरिक क्रियाओं को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, सक्रियताओं को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, हमारी बॉडी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। इसी टॉपिक पर हम अगर ध्यान दें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे बॉडी में हार्मोन आता कहां से, हमारे बॉडी में ये हार्मोन आते कहां से हैं।
माय लविंग फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में जो हार्मोन होता है ये ग्रंथियों से आते हैं, ग्लैंड से आते हैं। ग्लैंड्स आर सिक्रीट द हार्मोन्स, ग्लैंड्स आर सिक्रीट द हार्मोन्स। ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती हैं। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं माय लविंग फ्रेंड्स, अगर हम इस पर डिस्कस करें तो आप देखिएगा कि ग्रंथियों के प्रकार का हम अगर अध्ययन कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, द ग्लैंड्स आर सिंपली हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स। फर्स्ट इज द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। Second is the exocrine glands. आपने देखा पहली ग्रंथि होती है वो इंडोक्राइन है, इंड और क्राइन। सेकेंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, पहली कौन सी ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। सेकेंड कौन सी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक थर्ड पॉइंट पर आते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या आते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। तो यहां पर हम मिक्स लिखेंगे, ये मिक्स में है। आपने देखा कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स ए नॉट लाइक स्ट्रक्चर, दोज वेल परफॉर्म इन नॉन न्यूट्रिएंटिंग केमिकल्स, इन नॉन न्यूट्रिएंटिंग केमिकल्स, दोज केमिकल्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, दोज केमिकल्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। इसी केमिकल को क्या नाम दिया गया, हार्मोन नाम दिया गया। यहां पर हमने बताया कि ये हार्मोन जो होते हैं इन ग्रंथियों से स्थापित होते हैं, और ग्रंथियां जो होती हैं ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेनली अकरिंग टू टाइप्स, मुख्य रूप से दो प्रकार की है। एक को हमने कहा कि इंडोक्राइन है, दूसरे को हमने कहा कि एक्सोक्राइन है, और तीसरी होती है मिक्स, जो इंडो और एक्सो दोनों के वर्क करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द इंडोक्राइन, पहले हम इंडोक्राइन को देखते हैं, देन एक्सोक्राइन को देखेंगे, फिर हम कुछ ग्लैंड्स पर चलेंगे जो मिक्स ग्लैंड के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने जो बताया आपको, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको टॉपिक को पूरी तरह से नोट कर लें, और जो भी मैंने लिखा है बताया है कि आप हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंटिंग केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, जिसकी जो हार्मोन क्या है, जिसकी लिटिल अमाउंट ऑफ हार्मोन दे हैव क्रिएट टू आवर बॉडी, लिटिल अमाउंट ऑफ हार्मोन की एक थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर को क्या करती है, वो एक्साइट करती है, उत्तेजित करती है, हमारी बॉडी एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। आइए देखा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स मैंने कहा, तो पहला मैंने बताया आपको फर्स्ट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के से मैंने डिस्कस किया कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। आइए देखते हैं इंडोक्राइन में हम आपको डिस्कस करेंगे, इंडोक्राइन में within prime secretion, within secretion inside gland जहां पर पाई जा रही है इसका secretion यहीं पर हो रहा है। इस gland को जहां पर पाई जा रही है secretion जहां पर है अपना secretion same place पर अपने secretion को कर रही है। Those types of glands those are found in that places are secreted in different categories and different types of hormones in that place. जहां पर पाई जा रही है वहीं पर अपने हार्मोनों का स्राव भी करेगी। तो ऐसी ग्लैंड को हम बोलते हैं कि क्या है, ये इंडोक्राइन है। क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड एक्सोक्राइन those categories of glands are found in other places, but their hormones are secreted to the different places. एक ऐसी विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियां जो पाई कहीं और जाएंगी,
जिनका सेक्रेशन कहीं और होता है। तो आइए देखते हैं, अगर हम इंडोक्राइन की बात करते हैं, अंतःस्रावी की बात करते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड मेम्ब्राइन कहते चलिएगा आप लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल बॉडी, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थायराइड, नेक में पाई जाए पैराथायराइड, थायरस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इन द केस ऑफ फीमेल बॉडी ओवरी, इन द केस ऑफ मेल बॉडी टेस्टिस, जिसको हम जीव जो है इससे सिक्रेटिंग हार्मोन को हम कहते हैं जी टी एच, टेस्टिस और ओवरी से सिक्रेटेड हार्मोन को हम कहते हैं गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन। माय लवली फ्रेंड्स, तो आपने देखा ये मैंने ग्लैंड को बताया, इन दीज टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल बॉडी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, दीज टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे ग्रंथियों को हमने कहा कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एंड अदर कैटेगरी ऑफ ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अभी मैंने आपको बताया कि दोस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर फाउंड इन अनदर प्लेसेस बट देयर सेक्रेशन हैव अकरस ओनली इन अनदर प्लेसेस। इस प्रकार की ग्रंथियां जो पाई कहीं और जाएंगी जिनका सेक्रेशन होगा कहीं और। फॉर जस्ट लाइक आई टेकिंग एग्जांपल मिमिक्री ग्लैंड्स, दुग्ध ग्रंथियां, स्वीट ग्लैंड्स, स्वेद ग्रंथियां, सेक्स पसीना निकलता है जिससे, टीयर्स ग्लैंड, अश्मग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सीक्रेट करती है, ये कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कैसी ग्लैंड्स है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो पाई कहीं और जाएंगे सीक्रेशन का कहीं और। एंड थर्ड मिक्स्ड, माय लविंग फ्रेंड्स, आइए अगर हम मिक्स ग्लैंड के विषय में डिस्कस करें कि मिक्स ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है, तो दोस कैटेगरीज ऑफ ग्लैंड्स आर दोस टाइप्स ऑफ ग्लैंड दोस दैट बिहेव द एंडोक्राइन एंड ऑल्सो एक्सोक्राइन। जो इंडोक्राइन की तरह से और एक्सोक्राइन की तरह से दोनों तरह से बिहेव करें, फ्यू वर्क आर सिंपली क्रिएट टू द इंडोक्राइन एंड फ्यू वर्क आर सिंपली क्रिएट टू द एक्सोक्राइन। कुछ कार्य ऐसे होंगे जो इंडोक्राइन की तरह से होंगे और कुछ कार्य ऐसे होंगे जो एक्सोक्राइन की तरह से। फॉर जस्ट एज लाइक पैंक्रियास, पैंक्रियास इज द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। जैसे मैंने पैंक्रियास को बताया, ना तो ये इंडोक्राइन में आएगा ना तो एक्सोक्राइन में आएगा, मिक्स ग्लैंड में आएगा। डियोडिनम पर लगने वाला एक लीफ के जैसे के स्ट्रक्चर का ग्लैंड्स होती है जिसको पैंक्रियास बोला गया, ये डियोडिनम में आकर के अपने सेक्रेशन को करती है। इस तरह से आपने देखा यह हार्मोनों का सेक्रेशन करता है। ऑल ओवर ग्लैंड्स, जितनी ग्लैंड का मैंने नाम लिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल बॉडी, हाइपोथैलेमस, लैक्रिमल, टीयर्स ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थायमस ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, जितनी भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, ऑल ओवर ग्लैंड्स आर रेगुलेटेड
बाद पिट्यूटरी ग्लैंड। सिंस पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉमनली रिकॉर्ड टू द मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा गया। मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम मास्टर ऑफ ग्लैंड इसलिए दिया गया कि बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं टोटल ग्लैंड्स के ऊपर अपना ये कंट्रोल रखती है। इन विच टाइप्स ऑफ कंट्रोल है करेंगे, किस प्रकार का कंट्रोल यहां पाया जा रहा है, जितनी भी ग्लैंड्स हैं किसी भी ग्लैंड से द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हार्मोन का सिक्रीशन न होने पाए, मिनिमम अमाउंट ऑफ हार्मोन का सिक्रीशन न होने पाए, मींस हाइपो सिक्रीशन न होने पाए नहीं हाइपर सिक्रीशन होने पाए। क्यों? क्योंकि बोथ कंडीशन आर सिंपली हार्मफुल, दे आर शो द हार्मफुल इफेक्ट इन ह्यूमन बीइंग्स और अदर कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। ग्रंथियों से जो हार्मोन स्राव हो रहे हैं वे हार्मोनों के अतिस्राव से भी रोग उत्पन्न हो जाता है, अल्पस्राव से भी रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर उनका सिक्रीशन एक रेगुलेट अमाउंट में एक निश्चित मात्रा में उनका सिक्रीशन बना रहता है तो यह हमारे बॉडी के लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल है, लाभदायक। और यदि इनका सिक्रीशन हमारे बॉडी में इरेगुलर हो जाए, इरेगुलर में दो टर्म आ रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, मैंने कहा इरेगुलर, इसमें दो टर्म आए, बढ़ना भी आया और घटना भी आया, बढ़ भी सकता है तो घट भी सकता है, और ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी पर इफेक्ट हो सकते हैं। माय लविंग फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स हैं टोटल ग्लैंड्स पर अगर कोई ग्लैंड कंट्रोल करती है तो ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड, वो ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड, और उसी मास्टर ग्लैंड का नाम मैंने दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड। मींस द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिंपली नोन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हमने क्या कहा, मास्टर ग्लैंड। अब आइए देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। माय लविंग फ्रेंड्स, मस्तिष्क के दाएं भाग में सेला टर्सिका ग्रुप में मटर के दाने के बराबर आकार की 0.5 ग्राम की लाइट येलो कलर की एक ग्लैंड होती है, इसी ग्रुप में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम दिया गया पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम दिया गया? पिट्यूटरी ग्लैंड नाम दिया गया। मस्तिष्क के दाएं भाग में मटर के आकार के दाने के बराबर सेला टर्सिका ग्रुप में एक हल्के पीले कलर की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जिसका नाम रखा गया मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड हमने बताया भी आपको, हम इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि हमारे बॉडी से निकलने वाले टोटल हार्मोन पर कंट्रोल करती है, हमारे बॉडी से निकलने वाले टोटल हार्मोनों पर क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। आइए डिस्कस किया जाए थोड़ा सा कि किस तरह से हमारे बॉडी से निकलने वाले टोटल हार्मोनों पर कंट्रोल करती है। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं इसका फिगर, पिट्यूटरी ग्लैंड आप देखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, हाउ मेनी पार्ट, 3 पार्ट, एडेनो हाइपोफाइसिस, एडेनो हाइपोफाइसिस
सेकेंड मीजो हाइपोफाइसिस, थर्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस, मीजो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। कितने पार्ट मैंने बताए? थ्री पार्ट बताए। किसके बताए? पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो आपने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्री पार्ट हो गए, एडिनो हाइपोफाइसिस, मीजो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। या इसके दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसको कहा जाता है एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब, मिडुला लोब, मिडुला लोब, पोस्टीरियर लोब। आपने देखा अग्रपिंड, मध्यपिंड, पश्चपिंड, अग्रपिंड, मध्यपिंड, पश्चपिंड। ये किसके भाग हो गए? एक जो ग्लैंड्स रही, आपने देखा जो ग्लैंड्स नहीं है इस तरह से, एक सामान्य रूप से जो ग्लैंड था आपने देखा, इसके ये थ्री पार्ट हो गए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट को हमने कहा कि एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब, सेकंड पार्ट को हमने कहा कि मीजो हाइपोफाइसिस और मिडुला लोब, थर्ड पार्ट को हमने कहा कि न्यूरो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर लोब। ये पोस्टीरियर लोब। माय लविंग फ्रेंड्स, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा गया? मेरा क्वेश्चन यह है कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा गया? क्योंकि ये जितने भी बाकी के ग्लैंड्स पाई जा रहे हैं उनसे जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, टोटल हार्मोन्स के ऊपर, टोटल हार्मोन्स के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड के से एक विशेष प्रकार का हार्मोन सिक्रीट होता है जो सारे ग्लैंड्स के हार्मोनों के ऊपर कंट्रोल करता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी ग्लैंड को बॉडी में कंट्रोल करती है, सिंस तभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये जिस हार्मोन से कंट्रोल कर हुआ है, आरएफ, रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर, आरएफ। आइए कुछ हार्मोनों के विषय में डिस्कस करते हैं। अगर आप इसके कुछ हार्मोनों के विषय में डिस्कस करें, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड चल रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जीएच, इसका नाम ग्रोथ हार्मोन, जीएच मीन्स ग्रोथ हार्मोन, या इसी जीएच को हम कहते हैं एसटीएच, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, एसटीएच, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। अगला है पी आर एल, प्रोलैक्टिन हार्मोन, पी आर एल, प्रोलैक्टिन हार्मोन, टी एस एच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान से नाम सुनते चलिएगा, आपको लिखते चलिएगा, जी एच ग्रोथ हार्मोन, एस टी एच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, पी आर एल प्रोलैक्टिन हार्मोन, टी एस एच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ए सी टी एच, ए सी टी एच एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ए सी टी एच एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहा मैंने? एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड नेक्स्ट वन, पहले मैंने कहा कि ऑक्सीटोसिन, 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 नेक्स्ट वन वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। ध्यान से देखिएगा तो आपको यह समझ
आ जाएगा। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला गया? जीएच ग्रोथ हार्मोन, एसजीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से एसीडीएच एंडोकाइनोट्रॉपिक हार्मोन, एडिलन ग्लैंड से एएच ल्यूटिनाइन हार्मोन, ओवरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी पर, ऑक्सीटोसिन ओवरी पर, वैसोप्रेसिन ये ओवरी। इस तरह से आपने देखा कि ये हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं कि टोटल के टोटल हार्मोन ये जो है किस पार्ट से आ रहे हैं? ये हार्मोन आ रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड के, एड्रिनल ग्लैंड के एड्रो हाइपोथैलेसिस, मेजो हाइपोथैलेसिस एंड न्यूरो हाइपोथैलेसिस। एड्रिनल ग्लैंड के अग्रपिंड से, मध्य पिंड से और पश्चपिंड से ये हार्मोन आ रहे हैं। अब हम एक एक करके इसके विषय में और भी डिस्कस कर रहे हैं कि आपको टोटल ग्लैंड्स खत्म कर देंगे इसमें आप देखते रहिएगा। तो यहां पर हम एड्रिनल ग्लैंड्स पर ग्रोथ हार्मोन एसजीएच, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन पीआरएल, प्रोलैक्टिन पीएसएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एसीटीएच, एंडोकाइनोट्रॉपिक हार्मोन एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन, रिलैक्सिन, वैसोप्रेसिन, इस तरह से जो आपने हार्मोनों के नाम सुने इन सभी पर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना एक आरएफ छोड़ती है, रिलीजिंग फैक्टर छोड़ती है, जिसका फंक्शन होता है, जिसका कार्य होता है इसके अमाउंट को, इन हार्मोनों के अमाउंट को, इन नॉन न्यूट्रिएंटिक केमिकल को रेगुलेट करना। अधिक मात्रा में ना तो स्वागत होने देगी, ना ही कम मात्रा में स्वागत होने देगी। अर्थात यह आरएफ जो है, रिलीजिंग फैक्टर जो है, ऐसे कारक जो होते हैं वे जीएच, एसटीएच, पीआरएल, जितने भी हार्मोन बताया मैंने, इन समस्त हार्मोनों पर अपना नियंत्रण रखते हैं, अपना कंट्रोल रखते हैं कि इसका सिक्रीशन किसी ग्लैंड से ज्यादा ना होने पाए या कम ना होने पाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में अगर देखें जीएच, जिसको मैंने कहा ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन के साथ आरएफ जोड़ देते हैं, आरएफ जोड़ देते हैं, हो जाएगा जीएच आरएफ, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अब ये लग गया इसके साथ, तो ग्रोथ हार्मोन न तो हाइपो सिक्रीशन हो पाएगा, ना ही इसका हाइपर सिक्रीशन हो पाएगा, ना तो इसका अपस्राव हो पाएगा, ना तो इसका अल्पस्राव हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि ग्रोथ हार्मोन का अधिक स्राव हो जाता है तो आदमी में अग्राधि कायता, महाकायता नामक रोग हो जाता है, इससे आदमी की गर्भ में जायंट डिजीज हो जाती है, जायंटाकार मानव हो जाता है। और यही ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन एक बॉडी में कम हो जाता है, आदमी ड्रॉपिंग का शिकार हो जाता है, बौने पर का शिकार हो जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अधिक हो गया तो महाकायता रोग हो गया, जैंट टाइप में ह्यूमन खिलाड़ी हो गई, और अगर सिक्रीशन लो हो गया तो डॉर्फिज्म हो गया, बौनापन हो गया। इसको रेगुलेट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती है आरएफ रिलीजिंग फैक्टर। तो ग्रोथ हार्मोन के सबके साथ आप आरएफ जोड़ते चले जाएंगे, हो जाएगा जीएच आरएफ, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, एसटीएच आरएफ, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, पीआरएलआरएफ, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, एसीटीएच आरएफ, एडिनोकाइनोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, एलएच आरएफ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, एफएसएच आरएफ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ऑक्सीटोसिन आरएफ, ऑक्सीटोसिन रिलीजिंग फैक्टर, पिटोसिन रिलीजिंग फैक्टर, रिलैक्सिन रिलीजिंग फैक्टर, वैसोप्रेसिन रिलीजिंग फैक्टर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये ग्लैंड जितनी भी हैं, जितनी भी मैंने ग्लैंड्स के विषय में बताया, थायराइड से सिक्रीट होने वाला थायराइड ग्लैंड,
और पैराथायरॉइड कहां पाई जाती है, गले में पाई जाती है, नेक रीजन में पाई जा रही है, यक सिर की ग्लैंड्स होती है। अपने YouTube चैनल पर इसको अपलोड कर रहे हैं, वीडियो में अपलोड कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें यक सिर की ग्लैंड है, इससे जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है वह है थायरॉक्सिन। क्या है थायरॉक्सिन हार्मोन? थायरॉक्सिन आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। थायरॉक्सिन हार्मोन दो भागों में बांटा जा सकता है, क्या? T3 एंड T4। T3 एंड T4। T3 को बोला गया ट्राइएड्रोथायरोनिन, T4 को बोला गया टेट्राएड्रोथायरोनिन। ये दोनों मिलाकर के बना दिए गए, ये हो गया थायरॉक्सिन। मींस थायरॉक्सिन में T3 और T4 दोनों आ गए, ट्राइएड्रोथायरोनिन भी आ गया, टेट्राएड्रोथायरोनिन भी आ गया। ये थायरॉइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो नेक रीजन में थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर स्पॉटलाइट, आपने स्ट्रक्चर देखो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, उनसे सीक्रेट होने वाला हार्मोन है PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन। PTH PTH इसको बोला गया पैराथायरॉइड हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड इस वजह कंट्रोल करती है, PTHRF पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। इसी तरह से आप और भी आइए, MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस पर भी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। MSHRF मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो आपने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स हैं जिससे जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ओवरी से भी आपने देखा, मैंने बता दिया आपको गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन ल्यूटिनेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलैक्सिंग हार्मोन, ये ओवरी से सिक्रीट हो रहा है, इस पर भी पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल है। टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है टेस्टोस्टेरोन, इस पर भी पिट्यूटरी ग्लैंड अपना कंट्रोल कर रही है। तो माय लविंग फ्रेंड्स, इस तरह से मैं से आपको बताया कि जितने भी हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से, मैंने सारे ग्लैंड के लिए आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां है, एड्रिनल ग्लैंड कहां है, टेस्टिस कहां है, और थायराइड ग्लैंड कहां है, पैराथायरॉइड ग्लैंड कहां है, थायमस ग्लैंड कहां है, एड्रिनल ग्लैंड कहां है, पैंक्रियास कहां है। ये जो ग्लैंड्स हैं इनसे जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं टोटल के टोटल हार्मोनों पर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना कंट्रोल करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा गया मास्टर ग्लैंड। माय लविंग फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन से कौरी आप लोगों से आज किसी टॉपिक के साथ विदा लेता हूं, और एक सिंपल सा पॉइंट आपसे बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन सिंह का भी आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू।